हिमाचल लोक सेवा आयोग HRTC कंडक्टर के रिक्त 360 पदों को भरने के लिए 10 दिसंबर 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। परीक्षा 100 अंक की होगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध करवा दिया गया है। कंडक्टर लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसका उत्तर अभ्यर्थी द्वारा अगर गलत दिया होगा 1/4 अंकों की कटौती दंड के रूप में की जाएगी। यानी 4 प्रश्न गलत हुए तो 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जो उन्हें अच्छी तरह आते हों। यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। जहां 1 प्रश्न के 4 विकल्प में से 1 सही उत्तर की जगह 2 सही उत्तर होंगे, उन सभी उम्मीदवारों को जो इन दोनों सही उत्तरों में से किसी एक को एनकोड करेंगे उन्हें उस प्रश्न के लिए आवंटित अंक प्रदान किए जाएंगे। रोल नंबर पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। HRTC द्वारा चलाई जा रही स्पेशल बसों की आवाजाही की जानकारी अभ्यर्थी समय रहते खुद संबंधित बस अड्डा प्रभारी से जुटा लें। परीक्षा भवन में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या इस तरह के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना निषेध है। OMR शीट पर अपना सही रोल नंबर, आवेदन पत्र संख्या और बुकलेट सीरीज लिखें। सही बॉक्स को ब्लू, ब्लैक, नीले या काले बॉल पेन से भरें। गलत सूचना भरने पर OMR आंसर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।